हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 2 मार्च 2021। तो आइए देखते हैं 2 मार्च 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ऐसे तो वीडियो आने में लेट हो रही है क्योंकि आपको सुबह वीडियो आती थी पहले 7:30 बजे मॉर्निंग में, तो आपको कल से पुनः आपको 7:30 बजे ही मॉर्निंग में वीडियो मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में बनेगा, यानी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि विश्व में अभी वर्तमान में खिलौना की मांग बहुत ज़्यादा है और ख़ासकर भारत में भी खिलौने की बहुत ही खपत होती है, जिसमें चाइना का खिलौना भारत में बहुत ही आपको निर्यात किया जाता है और यहाँ के लोगों के द्वारा खिलौना को बहुत ही खरीदा भी जाता है। और ख़ासकर भारत में पहले जो खिलौने थे उसका खिलौना का मांग चाइनीज़ खिलौने आने के बाद मांग कम भी हो गई है, और ख़ासकर भारत में स्वदेशी निर्मित खिलौना को बढ़ावा देने के लिए खिलौना क्लस्टर उद्योग स्थापित किया जाएगा आपको कर्नाटक में। कर्नाटक के कोप्पल जिला जो है वहीं पर ये स्थापित किया जाएगा। अब और भारत का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया है आपको गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जो है वो खिलौना संग्रहालय भी बनाया गया है। कर्नाटक से याद रखेंगे, कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। कर्नाटक में ही आपको चंदन संग्रहालय आपको यहाँ पर ही बनाया गया है। और कृषि संजीवनी योजना वैन लैब की शुरुआत यहीं पर किया गया था। कर्नाटक में याद रखेंगे, कर्नाटक की राजधानी जो बंगलुरु है वहीं पर अमेजन जो कंपनी है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए वही स्थान चुना है बंगलोर, जहां पर आपको टेस्ला कंपनी भी अपनी संयंत्र स्थापित कर रही है। और यहीं बंगलोर में आपको एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन भी किया गया था। केरल से याद रखेंगे, केरल के CM है आपको पिनेरी विजयन और मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में केरल के कोची में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। और अपने एजुकेशन को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला ये देश का पहला राज्य, ऐसे भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी क्या है, केरल है। यहीं पर भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में केरल के आपको मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क देश का पहला बनाया जाएगा असम में, और असम के CM वर्तमान में सर्वानंद सोनोवाल हैं। और यहां पर होने वाला है चुनाव। अभी हाल ही में यहां ब्रह्मपुत्र नदी पर कई तरह की परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, यही सब खिलौना है जिसकी मांग मार्केट में सबसे ज़्यादा है, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए खासकर खिलौना के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी सरकार के द्वारा खिलौना उद्योग को स्थापित करने की योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहां पर स्थापित किया जाए। तो ये कुंभ का जो मेला लगता है, ऐसे तो कुंभ मेला 12 वर्षों पर लगता है और भारत के 4 बड़े बड़े शहरों में लगता है, जैसे में आपको हरिद्वार है, उज्जैन है, प्रयागराज और नासिक में। ये 12 वर्ष के अंतराल पर ये कुंभ का मेला लगता है और 12 वर्ष के पहले एक अर्धवार्षिक कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो अर्धवार्षिक कुंभ मेला का आयोजन आपको खासकर प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, जबकि नासिक प्रयागराज उज्जैन और हरिद्वार यहाँ पर खासकर 12 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें 2 शहर ऐसा है जहाँ अर्धवार्षिक का भी आयोजन किया जाता है। इस साल आपको हरिद्वार में ही अर्धवार्षिक कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा और इसके निगरानी इसके देख रेख करने के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा आपको कहाँ, तो हरिद्वार में इसकी स्थापित किया जाएगा। याद रखेंगे, हरिद्वार भी आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये है उत्तराखंड में। उज्जैन जो है वो छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये है मध्य प्रदेश में। और प्रयागराज जो है संगम है गंगा यमुना सरस्वती के, कहा है संगम पर है प्रयागराज। और नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये है महाराष्ट्र में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। इन इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के मतलब खासकर प्रदूषण से बचने की, कार्बन का उत्सर्जन
कम से कम हो जो शहर उसे कह रहे सुरक्षित रहे। यह योजना अभी सॉरी योजना नहीं है, ये सरकार के द्वारा तरफ से यानी केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसके तरफ से आदेश आया है कि जितने भी सरकारी विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जो गाड़ी का उपयोग करते हैं वो सब लोग क्या करें इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें कि जिससे कम से कम प्रदूषण हो। इसके लिए दिल्ली सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। दिल्ली के सीएम हैं आपको अरविंद केजरीवाल और यहाँ के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया जिसे अभी हाल ही में महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए खासकर पौधारोपण नीति आपको वार्ड इवेंट नंबर भी देखते होंगे और इसके अलावा स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया था दिल्ली सरकार में। अंडमान निकोबार से याद रखेंगे अंडमान निकोबार भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सर्वाधिक क्या है वन जीव अभयारण्य सर्वाधिक कहाँ है अंडमान निकोबार में ही और मात्र एक जो हमारा सक्रिय ज्वालामुखी जो है नारकोंडम या बैरन वो सब कहाँ है दोनों अंडमान निकोबार में ही स्थित है और अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर में जो बंदरगाह है उसका नाम रखा गया है वीर सावरकर बंदरगाह। क्या रखा गया है वीर सावरकर बंदरगाह। और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी जो देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार जो इसे पूर्णतः कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। कोरोना मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। क्या है कावारती अभी हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा यहाँ पर एक अटल भवन का भी नींव रखा गया था और लक्षद्वीप जो है ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% जैविक खेती करने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी पूर्णतः यहाँ जैविक खेती करने वाला ये राज्य बन गया। कौन लक्षद्वीप। ये जो देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रिक वाहन इसको बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। अब हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया यानी स्टूडेंट हेल्थ कार्ड के जरिए आपको स्वास्थ्य जैसी संबंधित लाभ ले सकते हैं स्टूडेंट खासकर। इसीलिए स्टूडेंट हेल्थ स्मार्ट कार्ड की अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के यहाँ क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी गठन 31 अक्टूबर 2019 में हुआ। अभी तक यहाँ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा की भी सीट है किंतु अभी तक चुनाव यहाँ पर नहीं हो पाया। अभी हाल ही में यहाँ DDC का चुनाव हुआ था एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जो है वहीं पर पहली बार आपको दूसरा संस्करण का आयोजन चल रहा है खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत। शीतकालीन खेलों का आयोजन आपको जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही आयोजित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर से एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह। यहाँ दो ही जिला हैं कारगिल और लेह और इसके वर्तमान उपराज्यपाल हैं RK माथुर। कौन है RK माथुर। दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मिलाकर संयुक्त बना दिया गया है और इसकी राजधानी दीव रखा गया है। और इस तरह भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है 8 है। क्या है 8 है। पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री थे अभी हाल ही में इस्तीफा देने के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है क्यों बहुमत पाने में असफल थे जिसके कारण इस्तीफे के बाद ये क्या हुआ यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और हाल ही में चुनाव होने वाला चुनाव के बाद पुनः यहाँ पर सरकार का गठन होगा क्योंकि यहाँ भी विधानसभा है। हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 2021-20 में भारत की अनुमानित विकास दर कितना रहने का अनुमान लगा है तो 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि भारत का अनुमानित विकास दर रहेगा वो 10.5% रहेगा। कितना रहेगा तो 10.5% रहने का अनुमान लगा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहने का मतलब ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसका गठन हुआ था हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर यानी हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुई स्थापना हुई। इसके लिए 1934 एक्ट आया था उसके बाद 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ। यह वर्तमान में भारत का केंद्रीय बैंक है और इसे हम लोग बैंकों का बैंक के रूप में भी जानते हैं। ये IMF हो या वर्ल्ड बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। विदेशी मुद्रा का विनिमय भी करता है रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार भी किसके पास है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। और इसके अलावा
एक रुपया से ऊपर का जितने भी नोट होता है उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओ सुवर्ण स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख और वर्तमान जो आरबीआई के गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान, यानी गो इलेक्ट्रिक अभियान खासकर इलेक्ट्रिक वाहन जो उसको बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, आपको परिवहन मंत्री जो हैं आपको नितिन गडकरी के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा इसे शुरू किया गया, जबकि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं, और प्रकाश जावड़ेकर जो हैं पर्यावरण एवं सूचना प्रसारण मंत्री भी कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं, और पीयूष गोयल जो हैं वो रेल मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी आपको पीयूष गोयल हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब की जाएगी? तो चंद्रयान जो है चंद्रमा भेजने के एक अभियान है जो 2008 से शुरू हुआ, 2008 में पहली बार भेजा गया था, उसके बाद ये तीसरे नंबर की चंद्रयान आपको लॉन्च किया जाएगा ये 2020 में। कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2020 में योजना बनाई गई है कि इसे 2020 में हम लोग चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे, और इसको लॉन्च करेगा द भारतीय स्पेस एजेंसी जो है जिसको हम लोग कहते हैं इसरो। क्या कहते हैं? इसरो कहते हैं। इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा 2022 में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में, और इसका हेड क्वार्टर है आपको बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है। जबकि इसके द्वारा सैटेलाइट अपना छोड़ा जाता है आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से ही अपनी सैटेलाइट उगा करता है, लॉन्च करता है, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कहाँ पे है, तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहीं से लॉन्च करता है। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं आपको के सिवान। कौन है? के सिवान वर्तमान इसरो के क्या है, तो चेयरमैन है। तो ये है चंद्रमा जहाँ पर ये सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति की खोज किया? तो अल्पाइन एक पौधा है जिसकी एक नई प्रजाति की खोज किया गया है आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में किया गया, यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और यहीं पर ये खोज की गई है। हरियाणा से याद रखेंगे, हरियाणा की राजधानी है आपको चंडीगढ़, और हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर, और पेमा खांडू यहाँ के CM है अरुणाचल प्रदेश के। महाराष्ट्र से याद रखेंगे, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे, और भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के गवर्नर है, और गोवा की राजधानी जो है पणजी, और गोवा के CM है प्रमोद सावंत, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ का भी गवर्नर है। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह भारत ने किया। किसने किया? भारत ने। तो ब्रिक्स कहने का मतलब ये पांच देशों का एक समूह है। ये पांच देशों का क्या है? एक समूह है जिसमें भारत रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर यह ब्रिक्स समूह बनाया है, और इस ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता इस साल 2021 में भारत को मिला है। क्या मिला है? भारत का, यानी ब्रिक्स संबंधी जो भी मीटिंग हो गई उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। यानी 2020 में किया था आपको रसिया, तो इस बार कर रहा है इंडिया। यानी बी से है ब्राज़ील वाला, ये है आपको ये रसिया कर लिया, तो इस साल कर रहा है इंडिया। क्योंकि इसमें याद करना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर है उसी तरह इसका अध्यक्षता मिलता है। तो ब्राज़ील कर चुका है 19 में, तो 20 में किया रसिया, तो 21 में करेगा इंडिया, और फिर उसके बाद चाइना को मिलेगा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, ऐसे ये चक्र चलता रहता है। 2009 में इसकी स्थापना किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।